हाई गाइज़ आई होप यू आर आर डूइंग वेरी वेल गाइज इन दिस बी कवरिंग दस्ट पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर टू ऑफ एफ सिक्स इनकम टैक्स कॉम्पिटेशन सो गाइज इस चैप्टर में हम जैसा कि चैप्टर की हेडिंग है चैप्टर का नेम है इसी तरह से इस चैप्टर में हम जिस भी तरीके से इनकम टैक्स कैल्कुलेट करते हैं उसका एक बेसिक पढ़ेंगे जस्ट एक बेसिक बेसिक मतलब एंड ओवर व्यू ओवरव्यू कि के कैसे हम इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं नॉट इन डिटेल ठीक है याद रखना बहुत बच्चे सोचते हैं कि सेकेंड चैप्टर में सब कुछ कवर हो गया ऐसा कुछ नहीं है इस चैप्टर में हमें सिर्फ बेसिक्स पता चलते हैं कि कौन कौन सी इनकम्स होती हैं उनमें कौन कौन सी इनकम्स पे क्या क्या टैक्स लगते हैं और ओवरऑल किसी पर्सन का अगर हमें टोटल टैक्स निकालना है तो हम वो कैसे निकाल सकते हैं ठीक है तो लेट्स स्टार्ट चैप्टर तो सबसे पहला टॉपिक जो इस चैप्टर में आता है दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ इनकम टैक्स तो ये कुछ खास नहीं है इसको हम अभी स्किप कर लेते हैं अभी के लिए सो so, सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है बेसिस ऑफ असेसमेंट सो बेसिस ऑफ असेसमेंट असेसमेंट मतलब कैलकुलेशन असेसमेंट मतलब असेस करना मतलब कैलकुलेट करना एनालाइज करना तो बेसिस ऑफ असेसमेंट इंडिविजुअल्स आर असेस्ड कि उन असेस मतलब कि हम देखेंगे कि इंडिविजुअल पे टैक्स लगता है कि नहीं लगता दैट इज इंडिविजुअल आर असेस टू इनकम टैक्स ऑन देयर इनकम अराइजिंग इन अ टैक्स ईयर अब टैक्स ईयर क्या होता है सो देर आर टू टाइप ऑफ ईयर वन इज कैलेंडर ईयर ठीक है वन इज़ फाइनेंशियल ईयर एंड वन इज टैक्स ईयर सो कैलेंडर ईयर फाइनेंशियल ईयर एंड टैक्स ईयर तो यहाँ पे कैलेंडर ईयर जो हमारा होता है इट्स ऑलवेज फर्स्ट जनवरी टू थर्टी फर्स्ट दिसंबर नॉर्मली जो कैलेंडर ईयर हमारा होता है वो होता है फर्स्ट जनवरी से थर्टी फर्स्ट दिसंबर फर्स्ट जनवरी को हम नया साल मानते हैं ना न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं दैट इज़ फर्स्ट जनवरी को एक नया साल स्टार्ट होता है इट इज़ कॉल्ड कैलेंडर ईयर लेकिन जो हमारा टैक्स ईयर होता है इन द यू के दैट स्टार्ट फ्राम फिफ्थ अप्रैल सॉरी टू नेक्स्ट ईयर फिफ्थ अप्रैल सो दैट मीन्स सिक्स अप्रैल से स्टार्ट होके फिफ्थ अप्रैल नेक्स्ट ईयर तक जितनी भी इनकम होती है उस पर हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं मतलब अगर हमें नॉर्मल कैलेंडर ईयर में पता करना है पूछना है कैलेंडरी ईयर क्या होता है सो दैट इज फर्स्ट चैन टू थर्टी फर्स्ट दिसंबर लेकिन जो हमने टैक्स कैलकुलेट करना होता है वो हम इनकम स्टार्ट करते हैं सेवन्थ सिक्स अप्रैल से कि सिक्स अप्रैल के बाद जो भी हमारी इनकम हुई है टिल नेक्स्ट ईयर का फिफ्थ अप्रैल उसके ऊपर हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे टैक्स देखा जाए तो पूरे साल ही लग रहा है ट्वेल्व मंथ के लिए ही लग रहा है लेकिन वो डेट चेंज हो गई सिक्स अप्रैल से लेके फिफ्थ अप्रैल नेक्स्ट ईयर तक अब ये है यूके का अगर मैं इंडिया की बात करूं इंडिया में जो टैक्स ईयर और फाइनेंशियल ईयर फॉलो होता है दैट इज़ फ्रॉम फर्स्ट अप्रैल टू नेक्स्ट ईयर थर्टी फर्स्ट मार्च सो बहुत सारे बच्चे जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा कि हम जो अकाउंट्स बनाते हैं वो फर्स्ट अप्रैल टू थर्टी मार्च बनाते हैं सो so पॉइंट ये है कि टैक्स ईयर चेंजेस इन एवरी कंट्री मोस्ट ऑफ दी कंट्रीज बेसिकली टैक्स ईयर जरूरी नहीं है कि हर जगह यही हो यही हो टैक्स ईयर हर कंट्री का अलग होता है सो इट डज नॉट रियली मैटर हमें सिर्फ ये देखना है टैक्स ईयर कब से स्टार्ट हो रहा है कब खत्म हो रहा है तो सिक्स अप्रैल से लेके नेक्स्ट ईयर फिफ्थ अप्रैल तक जितने भी पर्सन ने इनकम कमाई है उस पर हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे दैट मीन्स अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे फोर्थ अप्रैल को मतलब इससे पहले जो फोर्थ अप्रैल आ रहा है उस उसपे कोई भी इनकम अगर हुई है वो इनकम इस साल असेस नहीं होगी वो पिछले साल असेस हो चुकी होगी और उस उसपे टैक्स लग चुका होगा ठीक है हमें कैलेंडर ईयर नहीं देखना फॉर टैक्स पर्पज वी विल फॉलो दिस दिस इज कॉल्ड टैक्स ईयर सिक्स अप्रैल टू फिफ्थ अप्रैल अब नेक्स्ट आता है पर्सनल अलाउंस सो so, पर्सनल अलाउंस वैसे तो इन्होंने आगे बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हो इसी चैप्टर में यहां पे एक छोटी सी पर्सनल अलाउंस के बारे में चीज बताई हुई है

दैट मीन्स जब तुम टैक्स कैलकुलेट करोगे तुम एटी फाइव थाउजेंड इसके ऊपर जो भी टैक्स है वो कैलकुलेट करोगे तुम वन लाख पे टैक्स कैलकुलेट नहीं करोगे सो दिस इज एन अलाउंस अलाउंस मीन्स डिडक्शन फ्रॉम इनकम विच इज अ बेनिफिट फॉर एवरी पर्सन सो एवरी टैक्स पेयर इज इन टाइटल टू पर्सनल अलाउंस दैट इज पी ए पी ए इज द अमाउंट ऑफ टैक्स फ्री इनकम दैट एवरी टैक्स पेयर इज इन टाइटल टू ईयर दी अमाउंट इज रिड्यूस्ड पोटेंशियली टू नील फॉर हाई इनकम इंडिविजुअल इसका मतलब क्या है कि जिस पर्सन की इनकम बहुत ज़्यादा हाई होती है उसको पर्सनल अलाउंस का बेनिफिट नहीं मिलता ये कैसे होगा जब हम आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे वहां तुम्हें पता चलेगा ठीक है वहाँ मैं डिटेल में कराऊंगा ये जस्ट बता रहा हूं कि तुम ये ना बोलो कि सर ने ये पॉइंट छुड़वा दिया दिस मीन्स कि जिस भी पर्सन की इनकम लेट से टू लाख डॉलर्स है तो उसको इस चीज का बेनिफिट नहीं मिलेगा उसको पूरे टू लाख पे टैक्स पे करना पड़ेगा कैसे करेंगे वो आगे पता चलेगा पर्सनल अलाउंस इज डेल्थ विद मोर इन डिटेल इन सेक्शन थ्री इस चैप्टर के सेक्शन थ्री में पर्सनल लॉन्स डिटेल में बताया हुआ है नेक्स्ट आता है असेसिबल असेसिबल पर्सन पर्सन मतलब कौन कौन कवर्ड हैं फॉर इनकम टैक्स टैक्स किन किन लोगों को पे करना है दैट इज असेसिबल पर्सन तो ऑल इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग चिल्ड्रन आर चार्जेबल टू इनकम टैक्स एवरी इंडिविजुअल हर इंसान इंक्लूडिंग चिल्ड्रन ऐसा नहीं है कि 18 साल से कम है तो उसको टैक्स नहीं लगेगा हर पर्सन इंक्लूडिंग चिल्ड्रन आर चार्जेबल टू इनकम टैक्स बोथ स्पाउसेज विद अ मैरिड कपल आर ट्रीटेड एज अ सेपरेट इंडिविजुअल्स फॉर पर्पज ऑफ इनकम टैक्स मतलब अगर मान लो ये हस्बैंड है ये वाइफ दोनों जॉब कर रहे हैं दोनों की जॉब एक दोनों की जॉब से जो भी इनकम आ रही है वो एक पर्सनल अकाउंट में जा रही है विच इज़ जॉइंटली ओन बाय देम तो एक अकाउंट है ये दोनों उस अकाउंट के होल्डर हैं जॉइंट ओनर्स हैं जो भी इनकम आ रही है वो सारी एक ही अकाउंट में जा रही है तो हो सकता है जब इनको टैक्स पे करना हो तो ये पर्सन बोले कि भाई हमारी जितनी भी इनकम है वो तो एक ही अकाउंट में जा रही है तो हम टैक्स रिटर्न भी एक ही फाइल करेंगे है ना सारी इनकम पे एक बार ही टैक्स पे करेंगे ना दिस इज़ रॉन्ग सो पॉइंट इज बोथ पाउस आर ट्रीटेड एज अ सेपरेट इंडिविजुअल जो पैसे इसने कमाए हैं उस पर इसको टैक्स पे करना पड़ेगा जो पैसे इसकी मिसिस ने कमाए हैं उस पर इसकी मिसिस को टैक्स पे करना पड़ेगा टैक्स रेजिडेंसी स्टेटस ऑफ मैंने थोड़ा सा पिछले चैप्टर में भी कवर किया था इसका मतलब क्या है जैसे ये एक इंडिविजुअल है ठीक है ये यूके में रहता है ही इज रिजाइडिंग इन यूके इसकी इनकम यूके से भी है इसकी इनकम लेट्स से इंडिया से भी कुछ पैसे कमा रहे हैं कुछ एक्सपोर्ट करते हैं इसकी इनकम दुबई से भी है इसकी इनकम यू एस से भी है इसकी इनकम लेट्स कनाडा से भी है सो द पॉइंट इज सो पॉइंट इज दिस पर्सन इज रिजाइडिंग इन द यू के ही स्टेइंग इन द यू के लेकिन इसकी इनकम बहुत अलग अलग कंट्री से है सो पॉइंट इज इस पे कौन सी इनकम पे यूके में टैक्स लगेगा वो पता चलेगा इसके रेजिडेंशियल स्टेटस से जो हम कवर करेंगे सेक्शन नाइन इस चैप्टर में ठीक है सो पॉइंट इज़ अगर ये पर्सन यूके का रेजिडेंट बन गया जो हम आगे पढ़ेंगे तो इसको सारी इनकम्स पे टैक्स पे करना पड़ेगा और अगर ये पर्सन यूके का रेजिडेंट नहीं बना तो इसको सिर्फ और सिर्फ यूके की इनकम पे टैक्स पे करना पड़ेगा ये सब कुछ हम आगे पढ़ेंगे घबराना बिल्कुल नहीं है सिंपल अभी थ्योरी हमें बता रहे हैं पहला कि हर बंदा एक हर बंदा टैक्स पेयर होता है एवरी पर्सन इज़ असेसबल पर्सन सेकेंड अगर हस्बैंड और वाइफ हैं तो दोनों को इंडिविजुअल पर्सन माना जाता है और उसके बाद एक पर्सन को कितनी इनकम पे टैक्स पे करना है वो पता चलता है उसके रेजिडेंसी स्टेटस से जो हम आके पढ़ेंगे अब आता है मैरिड कपल्स अब मैरिड कपल्स के बारे में हमने एक चीज़ अभी ऊपर क्या पढ़ी है कि मैरिड कपल्स आर ट्रीटेड एज अ सेपरेट पर्सन ठीक है लेकिन द पॉइंट इज अगर मान लो मैरिड कपल की कोई ज्वाइंटली ओन्ड प्रॉपर्टी है जैसे मान लो ये हस्बैंड है ये वाइफ है इन दोनों ने पैसे मिला के एक घर परचेज किया था ठीक है और ये वाला जो घर है सो so, इनकी एक जॉइंटली ओन प्रॉपर्टी है अब यह प्रॉपर्टी इन्होंने रेंट पे चढ़ा दी सो लेट से यह एक फैमिली है ये इस प्रॉपर्टी में रह रहे हैं ठीक है और वो इनको रेंटल इनकम दे रहे हैं लेट से पर मंथ दे आर पेइंग टेन थाउजेंड डॉलर टेन थाउजेंड काफी ज्यादा लेट से टू थाउजेंड डॉलर सो टू थाउजेंड इन ट्वेल्व तो पूरा साल इनको ट्वेंटी फोर थाउजेंड डॉलर्स आए होंगे अब जैसा कि हमने पढ़ा था कि हस्बैंड एंड वाइफ आर ट्रीटेड एज अ सेपरेट इंडिविजुअल तो ये ट्वेंटी फोर थाउजेंड किसके हाथ में सेसिबल होंगे मतलब क्या ट्वेंटी फोर थाउजेंड पे इसको भी ट्वेंटी फोर थाउजेंड पे करना पड़ेगा इसको भी ट्वेंटी फोर थाउजेंड पे टैक्स ये तो गड़बड़ होगी कि ट्वेंटी फोर थाउजेंड पे कुछ भी टैक्स अमाउंट तो टोटल दोनों को ट्वेंटी फोर ही आया है टोटल मिला के ठीक है लेकिन अगर ट्वेंटी फोर थाउजेंड पे इसने टैक्स पे करा

इनकम जनरेशन फ्रॉम एन एसेट जॉइंटली विल बी स्प्लिट इन फिफ्टी फिफ्टी फॉर टैक्सेशन पर्पज जो ट्वेंटी फोर थाउजेंड आ रहे हैं इसके हाथ में माने जाएंगे कि ट्वेल्व थाउजेंड स्कोर है डॉलर्स और इसकी वाइफ के हाथ में माने जाएंगे कि ट्वेल्व थाउजेंड इसको आ रहे हैं ठीक है 12,000 थाउजेंड डॉलर्स इसको आ रहे हैं ट्वेल्व थाउजेंड इसको और इस पर टेन टेन परसेंट टैक्स लग जाएगा सो दैट इज राइट है ना तो टोटल ट्वेंटी फोर थाउजेंड पे टेन इज ट्वेंटी फोर हंड्रेड टैक्स लगना चाहिए तो so, 1200 इसके हाथ में लग जाएगा 1200 हंड्रेड इसके हाथ में सो so, ये हमारा पॉइंट पहला क्या बना कि अगर मैरिड कपल ने कोई भी प्रॉपर्टी जॉइंटली ओन करी है और उस प्रॉपर्टी से कोई भी इनकम आ रही है वो इनकम दोनों में जनरली 50 50 स्प्लिट हो जाती है ठीक है लेकिन देर इज अ ऑप्शन अवेलेबल कि अगर मान लो सारे पैसे हस्बैंड ने दिए थे या वाइफ ने कोई पैसे नहीं दिए थे और वाइस वर्सा कि सारे पैसे वाइफ ने दिए थे हस्बैंड ने कोई पैसे नहीं दिए थे ठीक है तो वाइफ बोलेगी कि अगर सारे पैसे मैंने दिए थे तो ये तो मेरी इनकम होनी चाहिए है हाँ ना क्योंकि ये बोलेगी ना कि हाँ जब मैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करूंगी तो ये इनकम मेरे हैंड में टैक्सेबल होनी चाहिए क्योंकि सारे पैसे तो मैंने दिए थे तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ नाम डलाया हुआ है लेकिन पैसे तो सारे मेरे हैं so, उस केस में क्या होगा वेर हेल्ड फिफ्टी फिफ्टी रेशो कि दोनों हस्बैंड वाइफ ने अलग रेशो में प्रॉपर्टी में पैसे लगाए हैं एंड इलेक्शन कैन बी मेड टू एच एम रेवेन्यू एंड कस्टम्स फॉर द इनकम टैक्स इनकम टू बी टैक्स बाई इंडिविजुअल स्पाइस अकॉर्डिंग टू देयर एक्चुअल परसेंटेज कि नॉर्मली अगर वो कुछ नहीं चाहते वो टोटल इनकम पे फिफ्टी फिफ्टी परसेंट इनकम मान के उस पर टैक्स कैलकुलेट इंडिविजुअली कर सकते हैं लेकिन अगर वो चाहते हैं सो देर इज अ ऑप्शन अवेलेबल उनको एच एम एंड कस्टम को बताना पड़ेगा अगर वो चाहते हैं किसी अलग रेशो में इस इनकम पे टैक्स पे करना ठीक है एंड नेक्स्ट सिविल पार्टनर्स आर ट्रीटेड एज सेम वे एज मैरिड कपल्स सो सिविल पार्टनर्स आर तुम ये मान के चलो एक तरह से मैरिज ही होती है इसको तुम एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज मान लो कि जैसे आजकल इंडिया में चलते हैं ना लिव इन रिलेशनशिप्स है ना जैसे एक हमारी टर्म है लिव इन रिलेशनशिप्स के पीपल हु आर नॉट मैरिड बट स्टिल लिविंग विद लिविंग विद ईच अदर सो दोज आर लिव इन रिलेशनशिप एंड वो लोग अगर अपने आप को सिविल पार्टनर्स बनाना चाहते हैं दैट मीन्स वो शादी नहीं करना चाहते वो सिर्फ ये बोलना चाहते हैं कि हम साथ रह रहे हैं तो उसके लिए उनको यूके मेट्स नॉट इन इंडिया एक लीगल रिलेशनशिप एक सिविल पार्टनरशिप बनानी पड़ती है एंड वो पार्टनरशिप बना के गवर्नमेंट को रजिस्टर करा लेते हैं कि हम सिविल पार्टनर्स हैं वी आर नॉट मैरिड ऐसा नहीं है कि हम मैरिड हैं We are just civil partners, तो civil partners, अगर कुछ लोग हैंडर दिन पर्सन अगर कोई बच्चा अठारह साल से कम का है तो उसको भी टैक्स लगता है इज ऑल्सो असिबल फॉर इनकम टैक्स हाउएवर देयर इनकम टिपिकली फॉल्स Short of their personal allowance in any tax year, therefore no tax liability actually arises on that income. इस लाइन को मैं बोल दूंगा कि छोड़ दो इस लाइन को पढ़ने का कोई फायदा नहीं है ये बहुत ही जनरल व्यू बता रहे हैं कि अगर 18 साल से कम का बच्चा है तो उसकी जो इनकम होगी वो जो हमने पर्सनल अलाउंस पढ़ा था नॉर्मली अगर कोई बच्चा है तो इसकी पर्सनल अलाउंस से कम ही इनकम होती है तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगता बट ये एक गलत सिचुएशन है मैं ऐसे नहीं समझाऊंगा इसको मैं इसको एग्जाम्पल दे के समझाऊंगा लेट्स हर साल हर इंडिविजुअल को बोला गया है कि आपको 15,000 का पर्सनल अलाउंस मिलेगा मतलब जो भी आपकी इनकम है उसमें से आप फिफ्टीन माइनस कर दो रिमेनिंग पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा लेट से एक नॉर्मल पर्सन है वू इज अबव द एज ऑफ 18, उसने 1 लाख डॉलर अर्न किए तो 15,000 थाउजेंड अलाउंस हटाने के बाद एटी फाइव थाउजेंड डॉलर पे उसको टैक्स पे करना पड़ेगा अब ये जो लाइन लिखी है इसका मतलब क्या है कि जो बच्चे हैं चिल्ड्रन हैं अगर किसी बच्चे की इनकम ही लेट से ट्वेल्व थाउजेंड डॉलर है पूरे साल की ज़्यादा कमाता ही नहीं सिर्फ ट्वेल्व थाउजेंड डॉलर है पूरे साल की अब पर्सनल अलाउंस है फिफ्टीन थाउजेंड तो ट्वेल्व थाउजेंड अब यहाँ से जब मैं फिफ्टीन थाउजेंड माइनस करूंगा तो दैट मीन्स ये तो नेगेटिव थ्री थाउजेंड आ गया इसका मतलब ये थोड़ी है कि इस पर जो टैक्स पहली बात तो इनकम इसकी इतनी है डिडक्शन ज़्यादा है तो ये तो नेगेटिव इनकम होगी मतलब एक तरह से एक्सपेंस हो गया तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं होता तो गवर्नमेंट ने बोला है कि आपको फिफ्टीन थाउजेंड तक की एग्जम्शन मिल जाएगी तक डिडक्शन मिल जाएगी तो ट्वेल्व थाउजेंड अगर आपकी इनकम है तो ट्वेल्व थाउजेंड आपको पर्सनल अलाउंस मिल जाएगा और आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो है जीरो दैट मीन्स उस पर आपको ज़ीरो टैक्स पे करना है ठीक है कि जो भी आपकी इनकम है उससे अगर ज़्यादा है पर्सनल अलाउंस तो आपकी जितनी इनकम है उतना ही पर्सनल अलाउंस का बेनिफिट आप ले सकते हो ऑफ कोर्स इनकम ही अगर किसी की ट्वेल्व है तो वो फिफ्टीन का अलाउंस कैसे ले लेगा वो तो ट्वेल्व का अलाउंस ले पाएगा अब तुम बोलोगे कि सर जैसे नॉर्मली हमारा इंटरनेट होता है कि अगर कुछ जीबी बच गए इस मंथ तो वो नेक्स्ट मंथ कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं तो जैसे पर्सनल अलाउंस का बेनिफिट मैं फिफ्टीन ले सकता हूँ लेकिन लिया मैंने ट्वेल्व तो जो थ्री थाउजेंड का पर्सनल अलाउंस बचा हुआ है क्या वो अगले साल यूज़ कर सकते हैं वो हम अभी बाद में पड़ेंगे ठीक है शायद तुम्हें समझ भी नहीं आया होगा बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ आया कोई बात नहीं ये चीज़ हमने बाद में पढ़नी है तो इस लाइन का सिंपल सा मतलब क्या है कि जो भी बच्चे 18 ईयर्स से कम होते हैं तो नॉर्मली उनकी इनकम ट्वेल्व थाउजेंड डॉलर्स या फिफ्टीन थाउजेंड डॉलर्स होती है तो वो पर्सनल अलाउंस जितना मिलता है उससे कम ही इस इनकी इनकम होती है सो तो उनको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ता ठीक है ये इस लाइन का

वे टू फाइंड आउट इनकम टैक्स कितना पे करना है ठीक है दिस इज नॉट योर इनकम टैक्स रिटर्न जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हर साल हम एक इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं जिसके अंदर हम गवर्नमेंट को बताते हैं कि ये हमारी इनकम थी ये हमारा टैक्स था वो हमारी होती है रिटर्न ये है कॉम्प्यूटेशन सो कॉम्प्यूटेशन इज जस्ट लाइक अ कैलकुलेशन विच विल टेल अस कि हमें कितना टैक्स पे करना है और यहाँ से हम फिगर्स उठा के अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में डालते हैं ठीक है ये एक जस्ट हेल्प है ये एक तरह से सिर्फ हमारे लिए एक ऑप्शन है मतलब ऑप्शन तो खैर नहीं है ये मैंडेटरी होता है सबके लिए बनाना बिकॉज पता ही नहीं चलेगा कि तुमने कितनी इनकम कैसे कैसे वन किए कैसे टैक्स कैलकुलेट किए क्योंकि जो इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म होता है उसमें सिर्फ एग्जाम्पल लिखा हुआ है टोटल इनकम कितनी थी इतनी टोटल इनकम इस पर इतना कितना टैक्स बनता है इतना टैक्स बनता है वो तुमने पे कर दिया दैट्स इट अब टोटल इनकम कितनी थी कहाँ कहाँ से आई थी कैसे आई थी टैक्स कैसे कैसे कैलकुलेट किया था हाउ विल एनी वन कम टू नो अगर तुम तो मुझे अपनी रिटर्न दोगे मुझे तो सिर्फ ये दिखेगा कि ये टोटल इनकम थी इस पर इतना टैक्स था और टैक्स अलग अलग होता है हमने पढ़ा हुआ है हर इनकम पे अलग टाइप का टैक्स होता है ठीक है आगे भी पढ़ेंगे कि हर इनकम पे अलग टाइप का टैक्स होता है सो द पॉइंट इज इसकी बाइफकेशन क्या है कैसे चीज कैलकुलेट हुई उसके लिए हम बनाते हैं इनकम टैक्स कॉम्पिटिशन तो ये फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है ये पूरे टैक्सेशन में यूज होगा तो इसको ध्यान से पढ़ना तो सबसे पहला जो हमारा ग्रुप आता है उसको हम बोलते हैं टैक्स नॉन सेविंग इनकम सबसे पहले हम बताते हैं कि नॉन सेविंग इनकम हमारी कौन सी होती है सो नॉन सेविंग इनकम मीन्स कि ये पैसे हमने मेहनत करके कमाए हैं सेविंग से नहीं कमाए मैंने बैंक में एफ डी करा के ये पैसे नहीं कमाए ये पैसे मैंने या तो ट्रेडिंग करके या सैलरी जॉब करके या बिजनेस करके कमाए हैं या मेरे को रेंटल इनकम मिली है सो दैट इज नॉन सेविंग इनकम ठीक है सो नॉन सेविंग इनकम के कौन कौन से हेड्स होते हैं सबसे पहले आता है ट्रेडिंग इनकम जैसे इफ़ आई एम डूइंग अ बिजनेस तो उस बिज़नेस से मुझे कितनी इनकम हुई अगर मैं जॉब कर रहा हूँ जैसे ट्रेडिंग इनकम मतलब बिजनेस इनकम बिजनेस इनकम एम्प्लॉयमेंट इनकम मतलब अगर मैं जॉब कर रहा हूँ तो जॉब से मेरे को कितनी सैलरी मिल रही है प्रॉपर्टी इनकम जैसे मान लो मेरे पास एक प्रॉपर्टी थी वो मैंने रेंट पर दी हुई है तो कितना रेंटल मुझे आ रहा है और पेंशन इनकम सबको पता है कि जॉब ख़त्म होने के बाद जब एक पर्सन की एक एज लिमिट एक्सीड कर जाती है तो वो जॉब छोड़ देता है और उसको हर साल पेंशन मिलती है सो so, वो पेंशन इनकम इट इज़ लाइक अ जॉब इट इज़ लाइक रिटायरमेंट इनकम तो ये सारी इनकम होती हैं नॉन सेविंग इनकम तो सबसे पहले हम देखेंगे टोटल इनकम इन चारों हेड से कितनी कितनी है हो सकता है एक बंदा सैलरी जॉब कर रहा हो तो उसकी सिर्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम आएगी हो सकता है एक पर्सन सैलरी भी हो उसने कोई घर भी रेंट पे दिया हो तो उसकी दोनों इनकम आएगी हो सकता है एक पर्सन रेंटल इनकम उसको आ रही है खाली तो खाली रेंटल इनकम आएगी हो सकता है एक पर्सन बिजनेस कर रहा हो उसकी रेंटल इनकम भी हो उसको पेंशन भी आ रही हो तो देयर कैन बी एनी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो भी इनकम जहां से भी किसी पर्सन को आई है वो हम ऐसे लिख के उसका लिख देंगे टोटल नॉन सेविंग इनकम अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी हेडिंग आती है नॉन सेविंग 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 इनकम 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 के बाद दैट इज अब saving income, कौन कौन सी इनकम होती है हमारी तो सेविंग इनकम हमारी एक होती है बिल्डिंग सोसाइटी इंटरेस्ट बैंक इंटरेस्ट सो सो गाइस बिल्डिंग सोसाइटी इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है पता होना चाहिए हम सबको सो बिल्डिंग सोसाइटी इंटरेस्ट इज़ लाइक जैसे हमारे बैंक्स होते हैं ठीक है ऐसे ही यूके के अंदर कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स होते हैं दीज आर नॉट बैंक्स बट दे वर्क लाइक बैंक और इनका काम क्या होता है सोसाइटी के डेवलपमेंट करना ठीक है सो दीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स हु हैज़ अ जॉब ऑफ वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी अगर कोई पर्सन जैसे मुझे मेरे पास लेट से टेन लाख या वन मिलियन डॉलर्स पड़े काश हो <laughs> मेरे पास वन मिलियन डॉलर्स अगर हैं तो कुछ पैसे मैंने डाल दिए बैंक में क्योंकि बैंक से मुझे इंटरेस्ट आ रहा है कुछ पैसे मैंने डाल दिए इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में ठीक है ये सारे रजिस्टर्ड होते हैं ऐसा नहीं होता कि पैसे लेके भाग जाएंगे तो अगर मैंने कुछ पैसे इस इंस्टीट्यूशन में डाले हैं हु वर्क फॉर बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी तो मुझे बैंक जो इंटरेस्ट देगा जो भी इंटरेस्ट मुझे बैंक से मिलेगा दैट विल बी कॉल्ड बैंक इंटरेस्ट और जो भी इंटरेस्ट मुझे इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिलेगा यस दे विल गिव मी सेम इंटरेस्ट मे भी हो सकता है कि बैंक रेट से थोड़ा सा कम हो क्योंकि उनको अपने भी खर्चे चलाने हैं बहुत सारी चीज़ें हैं सो so, अगर मुझे कोई भी इंटरेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिलेगा जो सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए काम करती है दैट विल बी कॉल्ड बिल्डिंग सोसाइटी इंटरेस्ट तो यहाँ से अगर कोई भी इंटरेस्ट मुझे मिलेगा तो वो भी मेरी इनकम होती है उस पर भी मुझे टैक्स पे करना पड़ता है तो नॉन सेविंग इनकम हमने पढ़ ली अब सेविंग इनकम में हमारी कौन कौन सी इनकम आती है एक आती है बिल्डिंग सोसाइटी इंटरेस्ट जैसे कि मैंने अभी समझाया एक आता है बैंक इंटरेस्ट और एक आता है हमारा डिविडेंड सो डिविडेंड इज नॉट सेविंग इनकम सो डिविडेंड इज कॉल्ड लाइक इन्वेस्टमेंट इनकम डिविडेंड इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट इनकम तो सेविंग इनकम हमारी कौन कौन सी होती है बिल्डिंग सोसाइटी इंटरेस्ट और बैंक इंटरेस्ट अब डिविडेंट इनकम क्या होती है डिविडेंट इनकम मीन्स हमने अगर किसी कंपनी के शेयर्स लिए हुए हैं ठीक है वी हैव इन्वेस्टेड मनी इन शेयर्स तो शेयर्स की वैल्यू जो बढ़ती है दैट इज एप्रिसिएशन ऑफ द प्राइस दैट इज नॉट आवर इनकम लेट से मैंने हंड्रेड डॉलर का एक शेयर लिया था आज की डेट में वो शेयर वन फिफ्टी का है तो देखा जाए तो मुझे फिफ्टी रुपीज का फायदा हो रहा है फिफ्टी डॉलर्स का लेकिन वो शेयर मैंने बेचा नहीं अभी भी वो शेयर मेरे पास ही है मैंने परचेज किया था वो शेयर हंड्रेड डॉलर का और आज की डेट में वो है वन फिफ्टी डॉलर का लेकिन वो शेयर अभी भी मेरे पास है मैंने बेचा नहीं है तो इस पर मुझे टैक्स नहीं पे करना तो फिर डिविडेंड क्या होता है डिविडेंड होता है जब भी अब जैसे आ, हम जब बिजनेस करते हैं बिजनेस से जब कुछ प्रॉफिट आता है तो प्रॉफिट ओनर अपने पास रखते हैं कुछ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ओनर अपने पास रखते हैं ऐसे ही कंपनीज को अब मान लो कंपनी जो प्रॉफिट कमा रही है वो प्रॉफिट किसका है कंपनी का कंपनी के पास पैसे कहां से आते हैं कंपनी में पैसे कौन लगाता है शेयर होल्डर कंपनी में पैसे कौन लगाता है शेयर होल्डर तो कंपनी क्या करती है तो जो भी प्रॉफिट्स कंपनी ने कमाए हैं वो प्रॉफिट कंपनी को शेयर होल्डर को देने पड़ेंगे डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे तो वो प्रॉफिट्स जो कंपनी शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करती है दोज आर कॉल्ड डिविडेंड्स सो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कंपनी टू देयर शेयर होल्डर्स

दैट इज माई टोटल इनकम सो दैट मीन्स पहला टोटल ये हो गया मेरा नॉन सेविंग इनकम दूसरा हो गया मेरा सेविंग इनकम मैं इसको यहाँ देख देता हूँ दूसरा हो गया मेरा सेविंग इनकम का टोटल और तीसरा हो गया मेरा डिविडेंट इनकम यानी इन दोनों का टोटल हो गया ये पूरे नॉन सेविंग इनकम ये और डिविडेंट इनकम इन तीनों का जब मैं टोटल करूँगा वो आ जाएगा मेरा टोटल इनकम कि पूरा साल मैंने कितने पैसे अर्न किए हैं अब तुम खुद सोचो तुम कहीं से भी पैसे कमाओ वो यहाँ से कवर हो जाएगा बिजनेस करा दो ट्रेडिंग में आ गया रेंटल इनकम आई तो तुम्हारी प्रॉपर्टी इनकम होगी बैंक में पैसे रखे तो सेविंग इनकम होगी ठीक है बिल्डिंग सोसाइटी इंटरेस्ट हो गया कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए वहाँ से डिविडेंड आ गया सो एनी फॉर्म ऑफ इनकम दैट यू विल रिसीव यू हैव टू राइट इट इन कॉम्पिटिशन और यहाँ आएगी तुम्हारी टोटल इनकम अब टोटल इनकम में से कुछ रिलीफ माइनस होते हैं वो क्या होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे ठीक है अभी नहीं पढ़ना तो टोटल इनकम में से कुछ रिलीफ माइनस होते हैं जैसे मैंने पिछले चैप्टर में बताया था कि हम अगर कुछ डोनेशन करते हैं तो वो डोनेशन का हमें बेनिफिट मिलता है सो दोज आर कॉल्ड रिलीफ्स अभी हम डिटेल में इसको करेंगे रिलीफ माइनस करने के बाद हमारी आती है नेट इनकम सो so टोटल इनकम सबसे पहले आती है ये तुम्हें एज इट इज लर्न करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टू फॉर अ प्रोफेशनल बिकॉज हर प्रोफेशनल को मोस्टली टैक्सेशन में काम करना ही पड़ता है तुम कभी ना कभी जब ए ए बन जाओगे इवन इफ यू आर वर्किंग इन अ डिफरेंट सेक्टर तुम्हें अपनी भी तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी ना तो तुम्हें अपनी कॉम्पिटिशन खुद भी बनानी पड़ेगी यू विल फाइल योर और रिटर्न एटलीस्ट क्लाइंट के लिए तो करोगे हो सकता है अपनी रिटर्न भी करो तो तुम्हें ये प्रॉपर हेडिंग सब कुछ पता होना चाहिए और हर एक का मतलब पूरा डिटेल में पता होना चाहिए फॉर्मैट तो तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए तो सेविंग नॉन सेविंग इनकम देन सेविंग इनकम देन डिविडेंड देन टोटल इनकम उसमें से हम माइनस करेंगे रिलीफ फिर आ जाएगा नेट इनकम नेट इनकम में से माइनस करेंगे हम पर्सनल अलाउंस, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था फिर जाएगी हमारी टैक्सेबल इनकम टैक्सेबल इनकम मींस इनकम ऑन विच टैक्स इज टू बी कैलकुलेटेड कि इस इनकम पे हमें टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा अलग अलग रेट्स होंगे सब कुछ होगा वो हम आगे पड़ेंगे अभी डिटेल में नहीं कर रहे सिर्फ ये चीज़ तुम्हें समझनी है कि इस इनकम पे हमें टैक्स लगेगा तो लेट्स से टोटल इनकम थी मेरी वन लाख डॉलर ठीक है मेरे टेन थाउजेंड के रिलीफ हो गए टेन थाउजेंड डॉलर के तो मेरी नेट इनकम होगी नाइन्टी थाउजेंड डॉलर पर्सनल अलाउंस जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया था फिफ्टीन का यहाँ पर भी फिफ्टीन का ले लेता हूँ एग्जाम्पल सो दैट मीन्स सेवेंटी फाइव के ऊपर मुझे टैक्स पे करना पड़ेगा एंड नॉट ऑन वन लाख ठीक है तो टोटल तो इनकम माइनस रिलीफ इज नेट इनकम नेट इनकम माइनस पर्सनल अलाउवेंस इज कॉल टैक्सेबल इनकम इनकम ऑन विच टैक्स इज रिक्वायर टू बी कैलकुलेटेड तो, तो यहाँ पे मैंने इसको छोड़ दिया है दो मिनट लगाओ इसको अच्छे से पढ़ लो और इसको डिटेल में लर्न कर लो हर एक का मतलब तुम्हें पता होना चाहिए अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम सो देर आर नंबर देर आर नंबर ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम ये सेम जो अपने ऊपर पड़ा है उसी के बारे में बताया हुआ है कि इनकम हमारी इम्प्लॉयमेंट या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दैट मीन्स बिजनेस और प्रोफेशन सो वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बिजनेस एंड प्रोफेशन अगर मैं मान लो आई एम अ ट्रेडर ऑफ क्लोथ्स मैं सस्ते कपड़े लाता हूँ कहीं से बल्क में और उसको आगे सेल करता हूँ सो दैट मीन्स आई एम डूइंग बिजनेस आई एम ट्रेडिंग ठीक है या फिर अगर मैं कपड़े बनाता हूँ तो दैट मींस आई एम डूइंग मैनुफैक्चरिंग बिजनेस ठीक है एंड प्रोफेशन मतलब इफ आई एम अ डॉक्टर आई एम अ ए सी सी आई एम अ चार्ट अकाउंटेंट आई एम अ लॉयर और मैं कुछ प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ अपनी सो दैट मीन्स दैट इनकम इज प्रोफेशनल इनकम सो इनकम अर्न फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम अराइजिंग फ्रॉम ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था रेंटल इनकम इन्वेस्टमेंट इनकम जैसे सेविंग होगी डिविडेंड इनकम होगी इनकम फ्रॉम पेंशन एंड लास्ट होता है इनकम एग्जमट फ्राम टैक्स अब इनकम एग्जम्ट फ्राम टैक्स का मतलब क्या होता है कि देर आर सर्टेन इनकम्स जिसके ऊपर हमें टैक्स नहीं पे करना होता सो so ये रिलीफ और ये अलग हैं दीज आर सेपरेट रिलीफ और पर्सनल लाउन्स इज डिफरेंट कुछ इनकम्स ऐसी होती हैं जिसके ऊपर हमें कभी टैक्स पे ही नहीं करना वो टैक्स फ्री इनकम है चाहे जितनी मर्जी मुझे इनकम आए उस इनकम पर कोई टैक्स नहीं पे करना यह भी मैं नहीं बता रहा जब आगे आएगी तब देखेंगे कि कौन कौन सी इनकम हमारी टैक्स फ्री इनकम होती है ठीक है जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूं right, हमें आगे जाके पता चलेगा जस्ट एन एग्जाम्पल जैसे ये मैं हूं ठीक है ये मेरे फादर है मेरे फादर ने मुझे कुछ पैसे गिफ्ट करे, लेट्स से इंडियन रुपीज में ही गिफ्टेड मी टेन थाउजेंड रुपीज अब मेरे लिए तो ये इनकम हुई है ना चाहे मुझे फादर से आई है, मतलब ये मेरे पैसे मुझे कहीं से एक इनकम रिसीव हुई है दिस इज़ एन इनकम लेकिन इस इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा मतलब अगर मेरे को टेन थाउजेंड आएंगे तो मुझे गवर्नमेंट को इस इनकम पे कोई टैक्स नहीं पे करना सो दिस इज़ कॉल्ड इनकम एग्जेंड फ्रॉम इनकम टैक्स जस्ट एन एग्जाम्पल तो इनकम बेसिकली क्या होती है तुम्हें तो क्रक्स क्या समझ आया होगा कि कोई भी पैसे जो हमें बाहर से आते हैं जो हमने कमाया है या हमें मिला है दैट इज़ कॉल्ड इनकम अब अगर मैं बोलूं कि मेरे पास बैंक में से बैंक में मेरे पास टेन थाउजेंड डॉलर पड़े हुए थे मैंने वो कैश में विड्रॉ कर लिए, सो so, ये भी मेरी इनकम होगी नहीं दिस इज़ नॉट माई इनकम ये तो मेरे बैंक में पैसे थे ही मैंने सिर्फ उसकी फॉर्म चेंज की है बैंक से मैं कैश में लेके आया हूँ मेरे ही बैंक अकाउंट है मेरे ही बैंक में पैसे थे अब मैंने उससे कैश विड्रॉ किया जैसे एटीएम से पैसे विड्रॉ किए दिस इज़ नॉट माय इनकम ये मैंने कमाई नहीं की सो इनकम मींस जो भी पैसे बाहर से आते हैं चाहे कहीं से भी आए चाहे कहीं से भी आए दैट इज कॉल्ड एन इनकम अब सबसे बड़ा पॉइंट जो हमारा है दैट इज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लासीफाई ईच सोर्स ऑफ इनकम करेक्टली एज द टैक्स रूल्ड आर डिफरेंट फॉर ईच सोर्स इसका मतलब क्या है कि हमारी जो इनकम है हमें ठीक से बायफगेट करनी पड़ेगी मैं अपने बिज़नेस इनकम को इम्प्लॉयमेंट में नहीं दिखा सकता एम्प्लॉयमेंट को रेंटल इनकम या फिर परचेज सेल या फिर परचेज और सेल ऑफ एसेट की मैंने एसेट सेल किया था उससे मुझे कुछ प्रॉफिट हुआ है वो वाली इनकम में इंक्लूड नहीं कर सकता हर इनकम को मुझे करेक्टली सेपरेटली दिखाना पड़ेगा क्योंकि हर एक पे इनकम टैक्स अलग लगता है जैसे इस इनकम पे मुझे ट्वेंटी परसेंट टैक्स पे करना है इस इनकम पे टेन परसेंट इस इनकम पे थर्टी परसेंट इस इनकम पे फाइव परसेंट तो वो टोटल टैक्स मैं यहाँ पे बताऊँगा कि इसमें इसने इतना इनकम पे इतना टैक्स कैलकुलेट किया इतनी इनकम पे इतना अभी जब मैं आगे बताऊँगा तुम्हें धीरे धीरे समझ आएगा एकदम से चीज़ें समझ नहीं पाओगे अभी तुम्हें सिर्फ फॉर्मैट एंड लॉजिक है कैलकुलेशन का पार्ट हम बाद में करेंगे ठीक है सो so, क्या है बोला इन्होंने कि इट इज इंपॉर्टेंट टू क्लासिफाई ईच सोर्स ऑफ इनकम करेक्टली एज टैक्स रूल्स आर डिफरेंट फॉर ईच सोर्स इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू करेक्टली क्लासीफाई सोर्स एज नॉन सेविंग इनकम हमें ऐसा नहीं है कि नॉन सेविंग को सेविंग में डाल दो सेविंग को डिविडेंट में डाल दो हमें नॉन सेविंग सेविंग और डिविडेंट इनको भी अलग से बायोफेट करना पड़ेगा सिंपल सा क्रक्स पूरा फॉर्मेट हमें अच्छे से लर्न करना है अब नेक्स्ट आती है हमारी नॉन सेविंग इनकम अब नॉन सेविंग इनकम मैं ऊपर ऑलरेडी बता चुका हूँ यहाँ थोड़ा सा लिखा हुआ है एक बार पढ़ लेते हैं बना बच्चे बोलते हैं सर आप एटलीस्ट थ्योरी पढ़ो तो सही आप तो पढ़ते ही नहीं हो आप ये बोल देते हो जस्ट रीड ठीक है चलो मैं पढ़ लेता हूँ सो नॉन सेविंग इनकम कम्प्राइजेज इनकम अर्ड इनकम एंड प्रॉपर्टी इनकम सो ट्रेडिंग इनकम प्रॉफिट फ्रॉम अ ट्रेड प्रोफेशन वोकेशन ऑफ अ सेल्फ एम्प्लॉय इंडिविजुअल ये हम चैप्टर नंबर सेवन में करेंगे इंप्लॉयमेंट इनकम अर्निंग इंक्लूडिंग सैलरीज बोनस अदर बेनिफिट फ्रॉम ऑफिस और इम्प्लॉयमेंट आर असैस्ड एज इंप्लॉयमेंट इनकम ये हम चैप्टर नंबर फाइव में करेंगे पेंशन इनकम इनकम अर्न फॉर एन ऑक्यूपेशनल और पर्सनल पेंशन फंड दैट इज कॉल्ड पेंशन इनकम जैसे मैंने कुछ पैसे अपने पर्सनल पेंशन फंड में डाले हुए थे वहां से मुझे इनकम हो रही है सो दैट इज बी दैट इज कॉल्ड एज पेंशन इनकम प्रॉपर्टी इनकम इज टिपिकली रेंटल इनकम प्रॉपर्टी इनकम टिपिकली रेंटल इनकम बट also includes सच एज इनकम एलिमेंट ऑफ प्रीमियम और ग्रांटिंग शॉर्ट लीज ये हम चैप्टर नंबर फोर में पढ़ेंगे अभी इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है इन्वेस्टमेंट इनकम कौन कौन सी होती है सेविंग इनकम और डिविडेंड इनकम सेविंग इनकम हमने पढ़ा था बिल्डिंग सोसाइटी इंटरेस्ट एंड बैंक इंटरेस्ट जो चैप्टर थ्री में करेंगे डिविडेंड इनकम जो हम चैप्टर नंबर थ्री में करेंगे एग्जेम्ट इनकम कौन कौन सी होती है अब ये एक बार हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ इनकम एक्जेम्टेड आर इंटरेस्ट फ्रॉम नेशनल सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट अगर मैंने कुछ पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट करे हो एन एस आई सो एन एस एन आई मतलब नेशनल सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट अगर मैंने एन एस आई में कुछ पैसे इन्वेस्ट करे हैं जैसे मेरे पास वन लाख डॉलर थे उसमें से फिफ्टी थाउजेंड मैंने एन एस आई में इन्वेस्ट कर दी है. हर साल एन एस आई मुझे लेट से वन थाउजेंड डॉलर इंटरेस्ट देता है दिस इज़ एग्जैंट इनकम इस इंटरेस्ट इनकम पे मुझे कोई भी टैक्स पे नहीं करना ठीक है तो हमारी इनकम एक तो बिल्डिंग इंटरेस्ट और सेविंग उसी इंटरेस्ट पे टैक्स होता है एन एस आई से जो भी हमें इनकम आती है उस पर हमें कोई भी टैक्स पे नहीं करना होता सेकेंड बैटिंग लॉटरी प्रीमियम बॉन्ड विनिंग अगर हमें बैटिंग से कोई पैसे आए हैं लॉटरी से कोई पैसे आए हैं या प्रीमियम बॉन्ड से कोई पैसे आए हैं उस इनकम पे भी हमें कोई भी टैक्स नहीं पे करना होता दैट मीन जीरो टैक्स हो अगर बैटिंग से मैंने जितने मर्जी पैसे कमाए जितने मर्जी पैसे कमाएं उस पर कोई भी टैक्स नहीं है अब मुझे समझ नहीं आया ऐसा क्यों है इंडिया में तो सबसे हाईएस्ट लैब पे इस पर इनकम टैक्स लगता है बैटरी वगैरह पे केबीसी जो बच्चे देखते होंगे कौन बनेगा करोड़पति उसमें जो भी इनकम वो अर्न करते हैं उस इनकम पे उनको टैक्स पे करना पड़ता है ठीक है बिकॉज दैट इज अ इनकम दैट दे हैव अर्न तो बैटरी ओ, बैटिंग लॉटरी और प्रीमियम बॉन्ड प्रीमियम बॉन्ड विनिंग इस पर कोई भी टैक्स नहीं है इनकम रिसीव फ्रॉम एन इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट आई एस ए अगर इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट मैंने खुलवाया हुआ है उससे मुझे कोई भी इनकम हो रही है तो उस पर भी मुझे कोई टैक्स नहीं पे करना अगर मेरा इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट है उस सेविंग अकाउंट से कोई भी इनकम मुझे हो रही है जैसे इंटरेस्ट मुझे आ रहा है उस पर टैक्स नहीं पे करना तो बच्चे बोल लोगे कि सर अगर आप इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट आएगा उस पर तो टैक्स है नहीं तो ये कौन सा सेविंग इनकम है तो यहां पे जो हमने पढ़ा था ये वाला कौन सा सेविंग इनकम है ये एक तरह से मैं कह सकता हूं जैसे फिक्स डिपॉजिट कि मैंने डिपॉजिट कराया हुआ है डिपॉजिट से जो मेरे को अमाउंट आ रहा है उस पर मेरे को टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा लेकिन अगर मैंने सेविंग अकाउंट में कोई पैसे डाले हुए हैं उस सेविंग अकाउंट पे कोई भी इंटरेस्ट पे टैक्स पे नहीं करना तो डिटेल में इसको हम आगे पढ़ेंगे कि अब अकाउंट कौन कौन से होते हैं कहां कहां से इनकम आती है ये तुम्हें अभी तक मोस्ट लाइकली पता होगा बिकॉज जिस लेवल पे तुम हो तुम्हारे पास ऑलरेडी बैंक अकाउंट होंगे तुम्हें पता होगा सेविंग अकाउंट क्या होता है तुम्हें पता होगा फिक्स डिपॉजिट क्या होता है एफडी क्या होता है तो एफडी के इंटरेस्ट पे हमें टैक्स पे करना पड़ेगा लेकिन इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट आई पे हमें कोई भी टैक्स पे नहीं करना दैट इज एग्जेमट इनकम अब रिलीफ क्या होता है वो हम सेक्शन सिक्स में आगे पढ़ेंगे अभी मैं उसको नहीं करा रहा अब आता है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज पर्सनल अलाउंस तो मैंने बताया था पर्सनल अलाउंस यहाँ पे सेक्शन थ्री में कवर्ड है सो so, ये चीज अब हम बहुत ध्यान से देखेंगे क्योंकि यहाँ से हमारा कैलकुलेशन वाला पार्ट स्टार्ट होता है कि पर्सनल अलाउंस एग्जैक्ट कितना है सो पर्सनल अलाउंस जैसे मैंने बताया था कि टोटल इनकम पे कुछ पर्सनल अलाउंस हमारे को एग्जेट होता है सो एवरी टैक्स पेयर इंक्लूडिंग चिल्ड्रन इज इन टाइटल टू पर्सनल अलाउंस दी पर्सनल अलाउन्स फॉर टैक्स ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी ट्वेंटी टू मतलब दैट मीन्सथ अप्रैल ट्वेंटी वन टू फिफ्थ अप्रैल ट्वेंटी टू हमारे को जो पर्सनल टैक्स एग्जम्ड है इनकम से टोटल दैट इज ट्वेल्व थाउजेंड फाइव सेवेंटी पाउंड ठीक है सो इन द टैक्स इन द टैक्स एग्जामिनेशन द पी ए शुड ऑलवेज बी डिडक्टेड फ्राम टैक्स पेयर्स नेट इनकम फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इन दॉलोइंग ऑर्डर पहले अब इसका मतलब क्या देखो इस लाइन का अगर मान लो किसी पर्सन की नॉन सेविंग इनकम है सेविंग इनकम है डिविडेंड इनकम है सबसे पहले हमारा पर्सनल अलाउंस यहाँ से माइनस होगा उसके बाद अगर मान लो कुछ पर्सनल अलाउंस बचा हुआ है तो वो सेविंग से माइनस होगा उसके बाद भी अगर कुछ बच गया तो वो डिविडेंड इनकम से माइनस होगा अब तुम कहोगे सर हमें समझ नहीं आया आप क्या बोल रहे हो कोई बात नहीं मैं एग्जाम्पल देकर बताता हूं अब मान लो नॉन सेविंग इनकम मेरी है फाइव थाउजेंड डॉलर हो सकती है या फाइव थाउजेंड पाउंड सेविंग इनकम है मेरी थ्री थाउजेंड पाउंड ठीक है और डिविडेंड इनकम है मेरी लाइट से टेन थाउजेंड पाउंड पॉसिबल अब देखा जाए तो टोटल मेरी इनकम कितनी है टेन प्लस और फाइव एटीन थाउजेंड तो देखा जाए तो एटीन थाउजेंड जो मेरी टोटल इनकम आई है माइनस रिलीव करूंगा नेट इनकम आएगी उसमें से मैं माइनस करूंगा ट्वेल्व थाउजेंड फाइव सेवेंटी तो मेरी की टैक्सेबल इनकम विच इज एटीन थाउजेंड माइनस ट्वेल्व फाइव सेवेंटी दैट इज थ्री जीरो फाइव सेवन जीरो ठीक है इतनी सॉरी गलत कर दिया मैंने एटीन थाउजेंड माइनस वन टू फाइव सेवन जीरो दैट इज फाइव फोर थ्री जीरो फाइव फोर थ्री जीरो इतनी इनकम पे मुझे टैक्स कैलकुलेट करने हैं अब एक चीज मैंने तुम्हें ऊपर बताई थी क्या हर इनकम पे अलग टैक्स रेट होता है तो जैसे मान लो डिविडेंड इनकम पे मेरा टैक्स रेट है थर्टी परसेंट अभी एग्जाम्पल ले रहे हैं सेविंग इनकम पे है टेन और नॉन सेविंग इनकम पे लेट से है ट्वेंटी टैक्स ठीक है तो नॉर्मली अगर मैं ये चीज़ ना बताता अगर मैं इन सबको हटा दूँ इफ़ आई डू दिस तुम कहोगे सर क्या फ़र्क पड़ता है कि पहले इसमें से माइनस करना है फिर इसमें से फिर इसमें से हम तो सीधा टोटल में से माइनस कर दें इस पर जो भी टैक्स होगा वो पे कर दें बट पॉइंट ये है कि अगर मेरे ये अलग अलग परसेंटेज है अब टोटल फाइव फोर थ्री ज़ीरो मेरी इनकम है है ना जिस पे टैक्स लगना है अब इस पर मैं कौन से रेट पे टैक्स लगाऊं ट्वेंटी परसेंट टेन परसेंट थर्टी परसेंट ये कैसे पता चलेगा है हाँ ना अब समझ आया कि इस अमाउंट पे मैं टैक्स कौन सा लगाऊं ट्वेंटी परसेंट टेन परसेंट या थर्टी परसेंट हम अपनी मर्जी से ये थोड़ी है कि सबसे मिनिमम टेन परसेंट है मिनिमम टेन परसेंट लगा लेते हैं या कोई परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा लेते हैं कि इसका इतने परसेंटेज ये सब वो सब कोई नौटंकी कुछ नहीं सिंपल इन्होंने रूल क्या बताया सबसे पहले हम नॉन सेविंग इनकम में से अमाउंट यूज़ करेंगे।, करेंगे उसके बाद जो बचा वो हम सेविंग में से यूज़ करेंगे उसके बाद जो बचा वो डिविडेंड इनकम से यूज़ होगा तो जैसे मान लो मेरे पास टोटल अमाउंट अवेलेबल था वन टू फाइव सेवन जीरो फाइव थाउजेंड मेरी सेविंग इनकम है तो फाइव थाउजेंड मैंने जब यहाँ से माइनस करे मेरा कितना रह गया अभी वन टू सेवन फाइव सेवन जीरो माइनस फाइव थाउजेंड अभी भी पर्सनल अलाउंस तो में मेरा सेवन फाइव सेवन जीरो बैलेंस बचा हुआ है सेविंग इनकम मेरी थी थ्री थाउजेंड और थ्री थाउजेंड मैं यहां से यूज़ कर सकता हूं तो माइनस थ्री थाउजेंड थ्री थाउजेंड मैंने यहाँ से यूज़ कर लिया अब मेरा पर्सनल अलाउंस में बचा फोर फाइव सेवन जीरो टोटल डिविडेंड इनकम मेरी है टेन थाउजेंड सो टेन थाउजेंड में से मैं माइनस करूँगा फोर फाइव सेवन ज़ीरो दैट मीन्स जो ये इनकम मेरी आई है इट विल बी टैक्स एट थर्टी परसेंट सबसे पहले सेविंग इनकम मैंने हटाई उसके बाद ओ सॉरी सबसे पहले नॉन सेविंग इनकम मैंने माइनस करी उसके बाद मैंने सेविंग इनकम माइनस करी और उसके बाद भी अगर पर्सनल अलाउंस में कुछ पैसे बचे हैं तो डिविडेंड इनकम से मैंने उसको यूज़ करा अब तुम बोलोगे कि सर अगर एक बात बताओ डिविडेंड इनकम भी हमारी वन थाउजेंड है तो टोटल इनकम मेरी कितनी होगी नाइन थाउजेंड अब हम क्या करेंगे सो डिविडेंड इनकम वन थाउजेंड है पर्सनल अलाउंस में बचा होता फोर फाइव सेवन ज़ीरो तो वन थाउजेंड का वन थाउजेंड मेरा एग्जाम हो गया बैलेंस अभी भी पर्सनल अलाउंस में थ्री फाइव सेवन जीरो बचा है और मैंने बताया था इसका हम कुछ भी नहीं करेंगे सो सरप्लस पर्सनल अलाउंस इज लॉस्ट अगर पूरा साल सारी इनकम माइनस करने के बाद भी मेरे पास कुछ पैसे बच जाते टोटल इनकम तो मेरी नाइन थाउजेंड थी और जो पर्सनल अलाउंस है वो मेरा ज़्यादा है तो एक्सेस पर्सनल अलाउंस जो बच गया जो मैं यूज़ नहीं कर पाया वो ख़त्म हो जाता है वो लॉस हो जाता है मैं उसको नेक्स्ट ईयर यूज़ नहीं कर सकता ठीक है पहला एग्जाम्पल है ये अब मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ इसके जितने मैं एग्जाम्पल्स दूंगा उतना अच्छा तुम्हें समझ आएगा लेट से मेरी नॉन सेविंग इनकम थी फिफ्टीन थाउजेंड सेविंग इनकम थी टू थाउजेंड और डिविडेंड इनकम थी मेरी फाइव थाउजेंड ठीक है सेविंग इनकम पे था टैक्स ट्वेंटी परसेंट ओ सॉरी नॉन सेविंग इनकम पे ट्वेंटी परसेंट सेविंग इनकम पे टेन परसेंट और डिविडेंड इनकम पे थर्टी परसेंट ये सारी हाइपोथिकेटेड है, फिगर्स हैं रैंडम फिगर्स हैं अब इस केस में पर्सनल लॉन्स में कैसे यूज करूंगा तो ट्वेल्व फ़ाइव सेवन जीरो मेरा पर्सनल लाउन्स है तो पर्सनल लाउन्स वन टू फाइव सेवन जीरो अलाउड है नॉन सेविंग इनकम थी मेरी फ़िफ्टीन थाउजेंड तो फिफ्टीन थाउजेंड में से सबसे पहले मुझे इसमें से माइनस करना है तो फिफ्टीन थाउजेंड वन टू फाइव सेवन ज़ीरो मैंने माइनस किया तो इसमें से ये माइनस करने के बाद बैलेंस बार रह गया टू फोर थ्री जीरो मतलब तो इतनी इनकम मेरी बची हुई है पर्सनल लाउन सारा यूज़ हो गया फ़िफ्टीन थाउजेंड में से मैंने सारा माइनस कर दिया अभी मेरी इतनी इनकम बची है सेविंग इनकम टू थाउजेंड बची है डिडेंड इनकम फाइव थाउजेंड बची है तो इस अमाउंट पे मैं ट्वेंटी परसेंट टैक्स पे करूंगा इंटू ट्वेंटी परसेंट तो फोर एटी सिक्स टैक्स मेरा ये हो गया इस इनकम पे टेन परसेंट है तो टू थाउजेंड इंटू टेन टू हंड्रेड ये टैक्स हो गया फाइव थाउजेंड इंटू थर्टी फिफ्टीन हंड्रेड मेरा ये टैक्स हो गया तो टोटल टैक्स जो मैं पे करूंगा फोर एटी सिक्स प्लस टू हंड्रेड दैट मींस 2186 विल बी माय टैक्स. कैसे आया टैक्स दोबारा बताता हूं टोटल इनकम मेरी पे ट्वेंटी परसेंट टैक्स है यहाँ थर्टी परसेंट टैक्स है तो पर्सनल अलाउंस हम सबसे पहले यहीं से माइनस कर देते हैं इसको जीरो कर देते हैं यही तो मैंने पॉइंट यहां बताया कि हमें इस ऑर्डर में अपनी एग्जाम लेनी है पहले नॉन सेविंग इनकम से एडजस्ट करेंगे अगर उसमें से कुछ बैलेंस बचा तो उसको सेविंग में से और अगर सेविंग के बाद भी कुछ बैलेंस बचा तो उसको डिविडेंड इनकम से ठीक है ठीके? तो यह हमें बहुत ध्यान से पढ़ने है, बहुत ध्यान से समझना है इसके पूरे स्टेप्स पहले नॉन सेविंग वेन डिविडेंड तो जो हमारा फॉर्मेट में होता है उसके अकॉर्डिंग ही पर्सनल लोन एक्सेप्ट होता है अब इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस पार्ट ऑफ पर्सनल अलाउंस कैन बी ट्रांसफर टू स्पाउस और सिविल पार्टनर ये सेक्शन फोर में हम आगे करेंगे के के कर ठीक है आगे दर्सनल इज इंक्लूडेड इन दैक्स रेट एंड दलाउंस प्रोवाइडेड टू यू इन देशन में हमें यह चीजन होगी कि कितना पर्सनल है कितना टैक्स रेट है ओके इन सर्टन सिचुएशन इट मे बी मोर बेनिफिशियल to deduct personal allowance from different source of income in a different order to that to set out above however this is not examinable in the tax exam iska matlab kya hai ab jaise maan lo non saving income mein meri char heads hai theek hai kaise kaise non saving income mein meri hai trading income employment income property income pension income इसमें भी सब पे tax rate अलग अलग है इसमें 20%, परसेंट इसमें टेन परसेंट तो ऑब्वियसली जिस इनकम में सबसे ज़्यादा टैक्स है मैं सबसे पहले पर्सनल अलाउंस से करूंगा हालांकि तो ये, हाला ये चीज तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगी दिस इज नॉट एग्जामिनेबल इन दी क्वेश्चन ठीक है अभी ये चीज लिखी हुई है दिस इज नॉट एग्जामिनेबल इन दी टैक्स एग्जाम लेकिन लॉजिकली तुम्हें पता होना चाहिए अभी भी तुम्हें शायद थोड़ा बहुत डाउट आ रहा होगा कि सर अभी चीज़ें मुझे क्लियर नहीं हैं अभी मुझे और कॉन्सेप्ट क्लियरिटी चाहिए तो डोंट वरी जब हम इसके बड़े क्वेश्चंस करेंगे वहाँ से तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ें इनफैक्ट हंड्रेड परसेंट सारी क्लैरिटी हो जाएगी लेकिन अभी के लिए तुम्हें जो मैंने बताया है एक बार इसको रिवाइंड करके दोबारा देख लो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी जब क्वेश्चन कराऊंगा वहाँ से तो डेफिनेटली हो जाएंगी अब आता है नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज रिडक्शन इन पर्सनल अलाउंस इसका मतलब क्या है देखो अगर किसी पर्सन की इनकम हाई इनकम है मतलब किसी पर्सन की बहुत ज़्यादा इनकम है ठीक है तो एक पर्सनल अलाउंस वालों ने एक लॉजिक क्या बताया है कि पर्सनल अलाउंस हम देते हैं बेसिकली इनकम विद बेसिकली लो इनकम ग्रुप को कि पहली उनकी इनकम कम है लो इनकम ग्रुप मतलब कि पहले ही उनकी इनकम कम है उस पर उनको टैक्स पे करना पड़ेगा तो बेचारों के पास घर चलाने के लिए पैसे कम बचेंगे तो जो लो इनकम ग्रुप है उनको इन्होंने थोड़ा सा एडवांटेज दे दिया लेकिन जो हाई इनकम ग्रुप है उनको पर्सनल अलाउंस नहीं मिलेगा उनको पर्सनल अलाउंस कम मिलेगा इसका क्या फॉर्मूला है कैसे पता चलेगा हमें कितनी हाई वालों को कम मिलेगा कितनी हाई वालों को ज्यादा तो इसका अब हम लॉजिक देखते हैं सो लॉजिक क्या है अगर किसी की इनकम वन लाख पाउंड से ज़्यादा है अगर किसी की इनकम वन लाख पाउंड से ज़्यादा है तो उस पर्सन को जो पर्सनल अलाउंस है वो रिड्यूस मिलेगा और कितना नहीं मिलेगा उसको दैट इज़ फिफ्टी परसेंट ऑफ फिफ्टी परसेंट ऑफ़ नेट इनकम माइनस वन लाख डॉलर्स। अभी ए एन आई यानी एडजस्टिंग या नेट इनकम क्या होती है जो भी हमारी नेट इनकम है उसमें से माइनस कर देंगे गिफ्ट एड डोनेशंस ये हमें नोट में अभी आगे पता चलेगा और ग्रॉस पर्सनल पेंशन कंट्रीब्यूशन ये चीज़ हम आगे पढ़ेंगे अभी नोट्स में ये दोनों चीज़ें माइनस करने के बाद जो हमारी इनकम आती है दैट इज़ कॉल्ड एडजस्टेड नेट इनकम सो नेट इनकम जो भी हमने निकाली थी कैसे टोटल इनकम कहाँ कहाँ से नॉन सेविंग सेविंग डिविडेंड उससे आ जाएगी टोटल उसमें से माइनस कर देंगे रिलीफ तो आ जाएगी नेट इनकम इस इनकम में से ये दो चीज़ें माइनस करने के बाद जो भी एडजस्टेड नेट इनकम आएगी उसमें से हम वन लाख पाउंड माइनस कर देंगे उसका फिफ्टी परसेंट हमें पर्सनल अलाउंस नहीं मिलेगा नहीं समझ आया कोई बात नहीं एग्जाम्पल लेके चलते हैं लेट से एडजस्टेड नेट इनकम मेरी है वन लाख फिफ्टीन थाउजेंड पाउंड ठीक है लेट से मेरी इनकम कितनी है वन लाख फिफ्टीन थाउजेंड पाउंडस अब उस केस में कितना पर्सनल अलाउंस मुझे नहीं मिलेगा तो देखते हैं तो इसका फॉर्मूला है फिफ्टी परसेंट ऑफ दिस माइनस वन लाख पाउंड फिफ्टी परसेंट ऑफ दिस माइनस वन लाख पाउंड दैट मीन्स फिफ्टीन थाउजेंड इंटू फिफ्टी परसेंट दैट मीन्स सेवेंटी फाइव हंड्रेड पर्सनल अलाउंस मुझे नहीं मिलेगा तो टोटल पर्सनल लॉन्स मुझे कितना अलाउड था वन टू फाइव सेवन ज़ीरो इतना अलाउड था इसमें सेवेंटी फाइव हंड्रेड का पर्सनल लॉन्स मुझे नहीं मिलेगा अब जो मुझे बेनिफिट मिलेगा दैट विल बी फाइव ज़ीरो सेवन ज़ीरो मुझे सिर्फ इतना ही पर्सनल अलाउंस मिलेगा इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा क्यों मेरी इनकम वन लाख पाउंड से ज़्यादा है तो मेरा पर्सनल अलाउंस रिड्यूस हो जाएगा कितना रिड्यूस होगा उसका फॉर्मूला है ये फिफ्टी परसेंट ऑफ़ इनकम ओवर ए एन आई कि ए एन आई से ऊपर वन लाख से ऊपर जितनी भी एडजस्ट नट इनकम है उसका फिफ्टी परसेंट हमें पर्सनल अलाउंस नहीं मिलेगा ठीक है अब यहां पे हमारा एक लॉजिक क्या हो गया अब दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं देखो अब सोचो मेरी इनकम वन लाख फिफ्टीन थाउजेंड नहीं वन लाख फिफ्टी थाउजेंड पाउंड है मेरी इनकम कितनी है वन लाख फिफ्टी थाउजेंड पाउंड हो सकती है काश हो जाए <laughs> तो वन लाख फिफ्टी थाउजेंड पाउंड में जब मैंने ये फॉर्मूला लगाया तो वन लाख फिफ्टी माइनस वन लाख इज फिफ्टी थाउजेंड फिफ्टी थाउजेंड का फिफ्टी परसेंट दैट मीनस ट्वेंटी फाइव थाउजेंड पर्सनल अलाउंस का बेनिफिट मुझे नहीं मिलेगा अब बेनिफिट तो वैसे ही मुझे वन टू फाइव सेवन ज़ीरो का मिलना था नहीं मिलेगा ट्वेंटी फाइव तो सिंपल मीनिंग्स मुझे पूरा पूरा पर्सनल बेनिफिट नहीं मिलेगा पर्सनल अलाउंस ज़ीरो हो जाएगा तो पर्सनल अलाउंस मिलना था वन टू फाइव सेवन ज़ीरो तो पर्सनल अलाउंस मैंने देखा कि मेरा तो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है ये जो मैं नहीं क्लेम कर सकता सो दैट मीन्स अगर मैं इसमें से ट्वेंटी फाइव थाउजेंड माइनस करूँगा इट डज़ नॉट मीन एनी थिंग कि कुछ नेगेटिव फिगर है सिंपल मीन्स कि मुझे कुछ भी पर्सनल अलाउंस नहीं मिलेगा तो इसका लॉजिक क्या हुआ तो इस समय क्या चीज समझ आई इसका मतलब यह समझ आया कि जिन लोगों की एनु एडजस्टेड नेट इनकम वन टू वन फोर वन टू फाइव वन फोर जीरो से ज्यादा होगी उनको कोई भी पर्सनल अलाउंस नहीं मिल सकता क्यों नहीं मिल सकता देखो अगर मेरी वन टू फाइव वन फोर जीरो इनकम है विच इज मोर देन वन लाख तो मैं इसमें से वन लाख माइनस करूंगा That इज टू फाइव वन फोर जीरो इसका फिफ्टी परसेंट दैट मीन्स टू फाइव वन फोर जीरो इन टू फिफ्टी परसेंट दैट मीन्स वन टू फाइव सेवन जीरो इतना पर्सनल लोन्स का बेनिफिट मुझे नहीं मिलेगा और पर्सनल लोन्स है ही इतना दैट मीन्स मुझे वन टू फाइव सेवन जीरो माइनस वन टू फाइव सेवन जीरो कुछ भी पर्सनल लोन्स नहीं मिलेगा अब इससे ज्यादा अगर मेरी इनकम है तो मुझे ज्यादा का बेनिफिट नहीं मिलेगा लेकिन ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं, नहीं है ना कि मेरे को बेनिफिट मिलना था इतना नहीं मिलेगा ज्यादा तो सिंपल सा मतलब है जितना बेनिफिट मुझे मिलना था वो मिलेगा या नहीं मिलेगा ठीक है अगर वन टू फाइव सेवन जीरो मेरा पर्सनल बेनिफिट है मुझे देखना है कि अगर मुझे बेनिफिट जो नहीं मिल रहा वो इस फिगर से ज्यादा है या इतनी फिगर है तो आई विल नॉट गेट एनी बेनिफिट दैट मीन्स मेरी जो इनकम अगर वन लाख और वन टू फाइव वन फोर ज़ीरो इसके बीच में है तो मेरा पर्सनल अलाउंस रिड्यूस हो जाएगा अगर मेरी वन लाख से कम इनकम है तो मेरे को पूरा वन टू फाइव सेवन जीरो का बेनिफिट मिलेगा अगर मेरी इनकम वन लाख से कम है तो पूरा मेरे को वन टू फाइव ज़ीरो का बेनिफिट मिलेगा अगर मेरी इनकम इससे ज़्यादा है तो वन टू फाइव सेवन जीरो का बेनिफिट नहीं मिलेगा इसके बीच में इनकम अगर मेरी है इसके बीच में तो मुझे ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जिससे पता चलेगा कि कितना बेनिफिट मुझे नहीं मिलेगा वो मैं वन टू फाइव सेवन ज़ीरो में से माइनस कर दूंगा और जो बचेगा वो मेरे को बेनिफिट मिलेगा ये हुआ हमारा पर्सनल अलाउंस का क्रक्स तो मैं ये फिगर का रट्टा नहीं मारना ये बस पता होना चाहिए कि इतनी इनकम अगर मेरी होगी तो इतनी इनकम पे जब मैं फॉर्मूला लगाता हूँ तो मेरा जितना पर्सनल अलाउंस है उतना ही मुझे रिड्यूस करना पड़ेगा दैट मींस ज़ीरो तो ब्रेक ही वन आ गया इसके ऊपर कोई बेनिफिट नहीं है ठीक है, दिस इज द लॉजिक ऑफ पर्सनल अलाउंस ठीक है सबको ये अच्छे समझ आ रहा है तो एक काम करते हैं ये वीडियो इतनी रखते हैं मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता बिकॉज जितनी बड़ी वीडियो बनेगी उतना तुम कंफ्यूज हो जाओगे यहां तक इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ो अच्छे से समझो जो भी डाउट्स है तुम्हें व्हाट्सएप पे या ग्रुप पे या कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ सो दैट आई कैन सी कि मुझे अगर कुछ चेंजेस करने हैं अपने टीचिंग स्टाइल में बिकॉज टैक्स इज समथिंग जो मैंने पहले नहीं पढ़ाया तो कुछ भी जो मुझे चेंजेस करने हैं आई विल डू द चेंज नेसेसरी चेंज ठीक है डू लेट मी नो गाइस और अगर समझ आया तो वो भी बता देना सो so दैट मुझे पता चल जाए कि मुझे इसी तरह से फॉलो करना है ठीक है चलो बाय गाइस टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम